हेलो फ्रेंड्स सो वी वर वार्टडिंग द मोनिटी मोनिटरी पॉलिसी टूल्स और मोनिट्री पॉलिसी टूल्स के अंदर हमने सेलेक्टिव मेजर्स या फिर क्वालिटेटिव मेजर्स को हम स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्रेडिट राशनिंग को स्टडी किया था नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी मार्जिन रिक्वायरमेंट चलिए स्टडी करते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है सपोज कीजिए आपने बैंक से एक लाख का लोन लिया अब उस एक लाख का लोन देने के लिए बैंक आपसे कुछ ना कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगेगा कुछ ना कुछ कोलेट्रल मांगेगा मान लीजिए आपने उसको बैंक को कुछ गोल्ड दिया तो वो जो गोल्ड होगा उसकी वैल्यू एक लाख से कम होगी या ज़्यादा होगी आई विल रिपीट अगेन आपको एक लाख का लोन लेना है बैंक से ना बैंक को आप गोल्ड दे रहे हो एज ए कोलेट्रल तो वो गोल्ड जो आप दे रहे हो उसकी वैल्यू एक लाख से ज़्यादा होगी या कम होगी द आंसर इज़ उस गोल्ड की वैल्यू एक लाख से ज़्यादा होगी तो लाख लोन के लिए मान लीजिए बैंक कहता है कि मुझे आप वन पॉइंट थ्री लैख वर्थ गोल्ड दीजिए तब मैं आपको एक लाख का लोन दूंगा तो ये जो थर्टी थाउजेंड का डिफरेंशियल है वन पॉइंट थ्री लैख्स माइनस वन लैख दिस इज़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन दैट इज़ बीइंग ग्रांटेड अगेंस्ट इट तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर बैंक थर्टी परसेंट मार्जिन रख रहा है अब मान लीजिए आर चाहता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो रिस्की है और बैंक उस सेक्टर के अंदर लोन ना दें तो आर क्या करेगा आर उस सेक्टर के अंदर लोन देने के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट उसको इंक्रीज कर देगा एग्ज़ाम्पल लेते हैं गोल्ड लोन का यहाँ पर हम गोल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं तो इस केस के अंदर मान लीजिए आर इसको डिस्करेज करना चाहता है तो वट आर विल डू आर मार्जिन रिक्वायरमेंट फोर्टी सेट कर देगा नाउ बैंक हैज़ टू कीप वन पॉइंट फोर लैक वर्थ ऑफ गोल्ड टू गिव वन लैक ऑफ लोन टू द कस्टमर नाउ ड्यू टू हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट पीपल विल बी डिस्करेज टू टेक लोन एंड बैंक विल बी डिसकेज टू डिस्पर्स द लोन सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो ए क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग द इज अ टाइप ऑफ मोलिट्री पॉलिसी टूल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू ए पर्टिकुलर सेक्टर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है इसके अंदर क्या होता है कि जो आर बी आई है इट सेट्स डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी इसके अलावा जो आर है वो इंटरेस्ट सीलिंग भी डिस, आ, डिसाइड कर सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो आर बी आई के से कि आप इस पर्टिकुलर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर बोरोरस फॉर एग्ज़ाम्पल आर बी आई बैंक से कहता है कि आप कोई भी एग्रीकल्चर बोरो है तो उससे आप छः परसेंट से ज़्यादा ब्याज चार्ज नहीं करेंगे छः परसेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे तो इस तरह से आपने आर ने एक इंटरेस्ट रेट की या तो सीलिंग फ़िक्स कर दी है या फिर डिफरेंट uh, सेक्टर्स के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर दिए हैं एंड दिस इज़ डन टू एंकरेज लैंडिंग टू सर्टेन सेक्टर्स ऑफ द इकोमी फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर बिकॉज इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सर्टेन सेक्टर्स इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है इट मे ऑल्सो इम्पोज डिफरेंशियल लैंडिंग नॉर्म्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोमी फॉर एग्ज़ाम्पल आर बी आई कुछ नॉर्म्स डिसाइड कर सकता है विच में बी टाइटर फॉर लैंडिंग टू द कॉपरेट्स एंड लीनियट नॉर्म्स फॉर लैंडिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एम एस एम एस एम ई सेक्टर एम एस एम एस एम ई सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर के किसी अगर व्यक्ति को लोन लेना है तो आधार पैन बस ये दो तीन रिक्वायरमेंट चाहिए रहती हैं और अगर कोई कॉपोरेट को अगर लोन लेना है तो उसकी बैलेंस शीट उसके एसेट्स एटसेट्रा एट्सेट्रा देखे जाएंगे तो जो रिक्वायरमेंट है लैंडिंग नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट सेक्टर के लिए आर डिफरेंट इम्पोज कर सकता है अल्टरनेटिवली सेंट्रल बैंक में ऑल्सो फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी ग्रांटेड बाई अ बैंक टू एन इकोनॉमिक एंटिटी इन अ पर्टिकुलर सेक्टर आर बी कह सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कोई भी इकोनॉमिक एंटिटी फॉर एग्जाम्पल कोई फर्म ऑपरेट कर रही है तो आप इसको एक एक्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट से ज़्यादा इसको लैंड नहीं कर सकते आर ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ कर सकता है बैंक्स के ऊपर ऐसा करने से क्या होगा कि जो कोई पर्टिकुलर सेक्टर है उससे जो रिस्क होता है रिस्क ऑफ ओवर एक पर्टिकुलर सेक्टर का वो अवॉइड किया जा सकता है एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई फ़र्म है वो मान लीजिए क्रिप्टो एसेट्स के सेक्टर uh, के अंदर ऑपरेट करती है तो आर कह सकती है बैंक्स को कि भाई आप uh, जो भी इस तरह की फर्म्स हैं उसको दस लाख से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते तो आपने एक तरह से रिस्क जो है उसको मैनेज कर लिया जो बैंकिंग सेक्टर को जो रिस्क है रिस्क टू ए पर रिस्क ऑफ ए बैंकिंग सेक्टर टू टू पर्टिकुलर सेक्टर उसको आपने मैनेज कर लिया आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर अगर आपको uh, समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए एस एस टाइप कर दीजिए समझ आ गया तो ओवरऑल हमने इस लेक्चर के अंदर एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात की सेकेंड हमने बात की डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की थर्ड हमने जो बात की डिफरेंशियल लैंडिंग नॉर्म्स की एंड फोर्थ जो हमने बात की वो थी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कुड बी गिवन टू अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एंटिटी इन अ पर्टिकुलर सेक्टर सो दीज आर ऑल्सो क्वालिटेटिव मेजर्स और सेलेक्टिव मेजर्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी तो अभी तक हमने इन सभी पुराने लेक्चर्स के अंदर हमने क्वान्टिटेटिव मेजर्स स्टडी किए और क्वालिटेटिव मेजर्स स्टडी किए नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सम अदर मेजर्स आर ऑल्सो देर इसके अंदर दो मेजर्स आते हैं फर्स्ट इज द मॉरल सुचन एंड सेकेंड इज द डायरेक्ट एक्शन चलिए सबसे पहले मॉरल सुजन को स्टडी करते हैं सुशन का मतलब होता है प्रेशर क्रिएट करना तो एक तरह से मॉरल प्रेशर आर क्रिएट करती है बैंक्स के ऊपर इसके अंदर आर जो है वो बैंक्स को डायरेक्शन नहीं देती वो बैंक्स को एडवाइस करती है कि भाई आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए दे इन मॉरल सुजन सेंट्रल बैंक एडवाइस द बैंक्स टू फॉलो सर्टन पॉलिसीज और प्रैक्टिस थ्रू लेटर्स सर्कुलर्स एंड स्पीच तो ये जो मॉरल सिचुएशन होता है इट इज़ नॉन बाइंडिंग बाइंडिंग नहीं होता है बट एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है बैंक्स के ऊपर इसको फॉलो करने की अगर आर बी आई गवर्नर अपनी स्पीचेज़ के थ्रू सेमिनार्स के थ्रू या सर्कुलर्स के थ्रू अगर कुछ बोलता है कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो बैंक्स का जो लैंडिंग है वो नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए तो बैंक शुड यू नो पे ही टू सच एडवाइस ऑल द बैंक्स आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू फॉलो द एडवाइस लेकिन कहीं ना कहीं एक मॉरल ऑब्लिगेशन बैंक्स के ऊपर रहती है सो दिस इज़ द मॉरल स्वेसन ये जो मॉरल स्एशन है इसको हमने अदर मेजर्स के अंदर इंक्लूड किया है हमने मॉरल स्शन को क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर उस हेडिंग के अंदर नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि मॉरल स्एशन जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है क्वालिटेटिव भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आर ये कहता है बैंक्स को कि भाई बैंक्स को कॉशियसली लैंड करना चाहिए तो ये कौन सी एडवाइस हुई क्वालिटेटिव या फिर क्वान्टिटेटिव आई रिपीट अगेन अगर बैंक आर बैंक्स को एडवाइस कर, करता है कि आपको कॉशियसली लैंड करना चाहिए तो ये जो एडवाइस है ये किसी सेक्टर स्पेसिफिक के नहीं है आर ने जनरल एडवाइस दी है सो दिस इज़ अ क्वान्टिटेटिव एक तरह से कैटेगरी के अंदर आएगा क्योंकि क्वालिटेटिव या फिर सेलेक्टिव मेजर्स के अंदर आर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात करती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर uh, में स्टडी किया था सो दिस टाइप ऑफ एडवाइस दिस टाइप ऑफ मॉरल सचुएशन विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्वान्टिटेटिव मेजर्स अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अगर आर कहता है कि आपको बैंक्स को फार्मा सेक्टर को लैंड करते हुए थोड़ा कोशिश होना चाहिए तो दिस टाइप ऑफ एडवाइस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स क्योंकि यहाँ पर आर एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहा है तो बहुत ही फाइन डिफरेंस है इसलिए मॉरल सोचिएशन को अदर मेजर्स में इंक्लूड किया गया है लेकिन मॉरल को क्योंकि एक तरह से एडवाइस है तो इसको अगर अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉरल सोएशन क्वालिटेटिव है या क्वान्टिटेटिव मेजर है तो आप यू शुड टिक क्वालिटेटिव मेजर्स क्योंकि ओवरऑल ये एक तरह से मतलब क्योंकि प्रैक्टिकली आर इसको एज ए मतलब क्वालिटेटिव मेजर्स uh, के रूप में ही यूज़ करता है मॉरल सोएशन को तो अगर कभी ऐसा एम में आपसे पूछा जाए तो मॉरल सोएशन इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर ओनली ऑलवेज को हम अदर मेजर्स के अंदर लाते हैं बट अगर ऐसा measure. क्वेश्चन आता है मॉरल सोएशन इज़ क्वालिटेटिव और क्वानिटिव देन यू हैव टू टेक क्वालिटेटिव मेजर अदर मेजर्स के अंदर जो सेकेंड मेजर आता है दैट इज़ डायरेक्ट एक्शन इफ़ द बैंक फेल्स टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक थ्रू मॉरल सोएशन द सेंट्रल बैंक में टेक मोर डायरेक्ट एक्शन एंड इम्पोज सेंक्शन एंड पेनल्टीज so if a bank fails to follow the instructions of rbi then bank can impose certain sanctions or certain penalties and these are known as direct action so this is all about the monetary policy measures agar aapko ye ye sare ke sare measures jo hai aapko starting se end tak samajhna hai अगर पूरे flow में आपको समझना है आप piece meal समझेंगे तो आपको confusion हो जाएगी तो starting से end तक इसको study कीजिए आपको बहुत मज़ा आएगा thank you so much